नमस्कार, बालाघाट न्यूज में आपका स्वागत है। पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बालाघाट विधायक और पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन के खिलाफ ईडी को की गई शिकायत का खुलासा किया है। उन्होंने इस मामले में शिकायत से संबंधित दस्तावेज दिखाते हुए पत्रकारों को बताया कि पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न कार्यों के माध्यम से बेनामी संपत्ति जमा कर रखी है। साथ ही इस बेनामी संपत्ति का इस्तेमाल नगर में अवैध तरीके से जमीन खरीदने में किया गया है। उन्होंने पूर्व मंत्री की पत्नी रेखा बिसेन, पुत्री मौसम हरिनखेड़े, दामाद नितिन हरिनखेड़े, नजदीकी व्यक्ति कुंवर बिसेन और उनकी पत्नी रुचि बिसेन, शंकु ठाकुर, विनोद ठाकुर सहित पड़ोसी एवं उनके खास कार्यकर्ता पासवेंद्र उर्फ बंडू पारधी, महेंद्र बिसेन, योगेश कटरे के नाम से बालाघाट शहर के आसपास बेशकीमती भूमि खरीदे जाने का जिक्र किया है। इसी को लेकर उनके द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज करने की मांग की गई है। इसमें की पत्नी के नाम से रेखा बिसेन, पुत्री मौसम हरिनखेड़े, दामाद नितिन हरिनखेड़े और पूर्वता पार्टी है, शंकु बिसेन है, कुंवर बिसेन है, तनुजा ठाकुर है, महेंद्र बिसेन है, ऐसे अनेक जो उनके बिल्कुल नज़दीकी हैं, उनके रिश्तेदार हैं, सभी लोग उनके नाम से उन्होंने संपत्ति खरीदी है। कलेक्टर के सामने वाला जो प्लाट है पुलिस लाइन पे भी उन्होंने कब्जा किया हुआ है, करीब 26,000 स्क्वायर फीट पर कब्जा अलग किया, अधिक्रमण करते हैं, लेकिन जो खरीदा है वो भी नियम से खरीदा है। बेचने का उसको अधिकार नहीं है जिसने बेचा उसको, और खरीदने का भी उनको अधिकार नहीं होता, लेकिन फिर भी उन्होंने खरीद लिया मुस्लिम करके तस्वर करके दबाव प्रभाव से। अब ये सारी शिकायत जो हमने लोकल को की है 18/6 को जिनमें 2018 को हाईकोर्ट में भी हम उसको ले गए, तो हाईकोर्ट ने हमें डायरेक्शन दिया था कि आप इसको लोकायुक्त में शिकायत करें पहले, तो लोकायुक्त में भी हमने इसकी शिकायत कर रखी है, लेकिन लोकायुक्त में भी साल से भी ज़्यादा हो गया, लगभग 2 साल करीब हो रहा है, लोकायुक्त से कोई शिकायत है कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो अभी जाकर हमने इसको ईडी को किया शिकायत पूरी, और ईडी के हमने किसान ये सब शिकायत की हमने ईडी को, ईडी से क्या है हार्ड कॉपी भेजी उनको पोस्ट ऑफिस में, उसमें संपूर्ण सब चीज़ें हैं, उनके चेक नंबर है, चेक क्रमांक है और जितनी भी उन्होंने गश्तियाँ हैं वो सब गश्ती में लगी हुई है। सबके चेक नंबर है, उसमें इस बैंक को जारी किया चेक नंबर है, सारा बोगस है, सारा फॉल्स चेक नंबर उनके सब पूरे चेक उन्होंने सिर्फ रजिस्ट्रार को दिखाया है रजिस्ट्री में लिखने के लिए, चेक किसी भी बैंक में कैश नहीं हुआ है, चेक दिखा के चेक वापस ले लिया होगा, बाकी कैश पैसा दिया उन्होंने। और जो ज़मीनों को खरीदा है वो बाजार कीमत से बहुत कम रेट पर खरीदा है, लेकिन कैश पैसा उनको कई गुना दिया है, 8 गुना 10 गुना पैसा दिया कैश में, इस तरह की बहुत सारी उन्होंने मतलब चौसी किसी की है, धोखाधड़ी की है उसने उन्होंने, तो इसकी शिकायत हमने की है कि इस पर एक तो चेक का जो लेन देन किया उसकी जांच करो, बेनामी संपत्ति जो ली उसकी जांच करो, इनके पास पैसे कहाँ से आए इतने और चेक कैसी में हुआ है। एक चेक का तो मौसम हरिनखेड़े ने यह दिखाया है कि संसदीय सौन नई दिल्ली पार्लियामेंट के अंदर, और पार्लियामेंट के अंदर जो अकाउंट बनता है वो अकाउंट सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का होता है या एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हो सकता है, लेकिन उनके परिवार के लिए कोई अकाउंट नहीं होता, वो सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए होता है, जैसे राज्यसभा लोकसभा, तो वहाँ का फर्जी हो गया, वहाँ अकाउंट वहाँ पर हमने जाकर फिर पता लगाया, बोला उनका कोई नाम से यहाँ अकाउंट नहीं है। एक रजिस्ट्री में उन्होंने बताया हुआ है कि वो डी टाइप बंगला जो उनको अलाट था उनकी पत्नी को, उस बंगले में रजिस्ट्री करना बताया जिसमें लिखा है रजिस्ट्री में, तो जब उनके बंगले में रजिस्ट्री हो रही है सरकारी बंगले में, इसका मतलब उसको बंगले में जब रजिस्ट्री हो रही है इसका मतलब साफ साफ है कि गौरीशंकर बिसेन ने वो रजिस्ट्री कराई है बेनामी। अरे भैया अगर रजिस्ट्री करा रही तो उनके घर में होना था, वो जो पार्टी उनके घर में होना था, तो गौरीशंकर बिसेन के बंगले में क्यों हो रही, उनका बंगला कोई रजिस्ट्री कराना है क्या, यहाँ कोई रजिस्ट्री करेगा, जैसे एकदम साफ साफ है
क्लियर है उसमें कि गौरीशंकर बिसेन ने सारी संपत्ति का बेनामी लेन देन किया है। इसकी अगर वो जांच नहीं करते हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में इसमें हम याचिका दायर करेंगे, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दोनों में किसी में भी हम उसमें याचिका लगाएंगे। जाएंगे जब तक 10 साल तक गौरीशंकर बिसेन जब तक के मंत्री रहे तब तक उन्होंने भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ नहीं किया है। शहर का कोई विकास नहीं हुआ, कोई प्रगति नहीं हुई शहर की। शहर जो है कि मंत्री बनने पर 10 साल में ये उम्मीद थी शहर के लोगों को कि भाई ये हमारा जिला जो है काफ़ी विकास हो जाएगा और बहुत आगे बढ़ेगा, सब सुविधाएं यहाँ पे माहौल हो जाएगी। ये कोई भी सुविधा नहीं, जो सुविधाएं थी वो ख़त्म हो गई। पीएचसी मंत्री रहे, पीने के पानी का क्या समस्या आज भी रो रहे लोग, गंदा पानी अभी भी आ रहा है, पाइपलाइन डल नहीं पाई उनकी, टंकियों बनाने में काफ़ी घोटाला किया, करोड़ों का घोटाला उसमें टंकियों बनाने में। ये ऐसे कई एक उदाहरण है, बहुत सारी चीज़ें उनकी ऐसी है कि जिन्होंने भ्रष्टाचार में आगे बढ़ने किया था। इसके ऊपर अभी ईडी से हम जाके भी मिलेंगे, लॉकडाउन खत्म होता है तो अगर वो जल्दी नहीं करते, हालांकि हमने तो हार्ड कॉपी को भेज दिए, कोई बात होगी तो और जाके हम चाहेंगे उनको।